लगातार सभी लोगों से बातचीत होती रहती है। और सही अगर आप देखेंगे तो सब लोग आना चाहते हैं, जो पिछले 10 वर्षों में देश का हाल हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। और जो भाजपा की सोच होती थी बड़ी बड़ी बात करने की, उसको सभी लोगों ने नज़दीक से देखने का काम किया है। हमारे साथी जो पहले किसी कारणवश भूलवश अगर उस पार्टी में रहे हैं तो उसका भी वो अनुभव साझा करेंगे। मैं इन सभी साथियों का, हमारे मृत्युंजय शर्मा जी हैं, इन्होंने हमारे साथ भी काम किया है और बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, जो अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। हमारे साथ संजय सिंह जी हैं, जिला परिषद रहे हैं, आज भी इनका जिला परिषद इन्हीं के हाथों में है। इनकी पत्नी जिला परिषद की सदस्य हैं और तमाम साथी जो आए हैं सभी लोग आज कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। मैं नाम बता दूं, जो भारतीय जनता पार्टी से लोग आ रहे हैं, गौतम कुमार शर्मा जी हैं, मंडल महामंत्री हैं, हीरालाल शर्मा जी हैं जो इन्हीं के मंडल के कोषाध्यक्ष हैं, दीनबंधु महतो जी हैं जिला कार्यकारी अध्यक्ष हैं, अक्षय महता जी हैं मंडल मंत्री हैं, श्री कैलाश शर्मा जी हैं मंडल महामंत्री हैं युवा के, जिमुत वाहन महतो जिला मंत्री हैं, विश्वजीत बनर्जी जिला कार्यकारिणी के सदस्य हैं, श्री सौरभ कुमार शक्ति केंद्र के अध्यक्ष हैं। तो लगातार लोग कांग्रेस पार्टी की रुख कर रहे हैं और ऐसे में जो अपने साथ काम किए हुए लोग हैं उनका आना लाजमी है और वो आज हमारे बीच हैं। ऐसे अवसर पर जब चुनाव दरवाजे पे दस्तक दे रहा है और ऐसे समय हमारे दो साथी और उसके साथ उसके यार दोस्त हमारे कांग्रेस परिवार में शामिल हुए, रवि दोनों ने बताया कि किस किस परिस्थिति में क्या ज़रूरत पड़ी कि बीजेपी को छोड़ के वो कांग्रेस में आए। मेरा ऐसा मानना है कि जो सुबह का भुला अगर शाम को लौटा है तो उसे भुला नहीं कहते, और हमको लगता है कि आज बड़ी ये कहें कि जोश के साथ हमने इनका स्वागत किया है और हमें ऐसा पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जो संजय जी कहे या मृत्युंजय ने कहा कि कहीं ना कुछ नाराज़गी थी, हम लोग निश्चित रूप से प्रयास करेंगे इस परिवार में जब आ गए हैं तो सब नाराज़गी ना हो। और कुछ नाराज़गी हो भी सकती, कभी होता है कि दरवाज़ा बर्तन ज़्यादा रहने से आवाज़ होता है, हो सकता संभावना है, मगर हम लोग प्रयास करेंगे। हमारे अध्यक्ष जी हैं और हमको लगता है ऐसा कुछ होता है, उनको खटास होता है, ज़रूर हम लोग चाहेंगे कि आप हम लोग से बातचीत करें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान हम लोग के पास में नहीं है। मैं कांग्रेस में लगभग 20 साल काम किया और जिला से लेकर प्रदेश तक मैं अपनी सेवा दी और निजी कारण से हम भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे, लेकिन उसमें देखे कि भारतीय जनता पार्टी का करनी और कथनी में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम शौक से राजनीति करते हैं, लेकिन हम लोगों ने बोकारो में देखा कि जो पूरे देश का पहला उदाहरण है, जो विधायक अपना पूरा शरीर का एक्सरे पूरे देश के सामने किया, उसको भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी का मुख्य सचेतक विधानसभा में बनाया। और जो विधायक 100 रुपया का टी शर्ट पहनता था वो 2000 भ्रष्टाचार कर 2000 करोड़ का मालिक बना, उसके ऊपर जांच भी चल रहा है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने CLP बनाया। और जो व्यक्ति के ऊपर कोई ऐसा धारा नहीं है जिस धारा में केस नहीं हुआ, और जो घर में वो रहता है 20 फुट का बाउंड्री है, लगता है कि राजा महाराजा का घर है, हवेली है, गांव के लोगों का जमीन हड़प कर जबरन घर बना है, वैसे लोगों को टिकट दिया, तो इस सब से हम लोग को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का करनी और कथनी में अंतर है। और राहुल गांधी का जो विजन है उसी विजन से ही देश का विकास हो सकता है और देश का तरक्की भी हो सकता है। और झारखंड में जो
सांगठनिक क्षमता अभी जो कांग्रेस पार्टी का है उसमें हम लोगों को पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी ही राज्य का, इस राज्य का और देश का विकास कर सकता है। इसी से प्रेरित होकर आज हम कांग्रेस पार्टी में योगदान किया है। दोस्तों, हम कहीं गए नहीं थे, थोड़ा नाराज़गी था, इसलिए चूँकि हमारा विधानसभा, जैसे आप लोगों को ज्ञात होगा कि बोकारो विधानसभा से हमें पहले नॉमिनेट किया गया था विधानसभा के लिए, और 10 दिन चुनाव प्रचार करने के बाद किसी कारणवश हमारा टिकट काट दिया गया था, या तो पार्टी ने समझा कि चलो किसी दूसरे को दे देंगे तो अच्छा रहेगा, जैसा है। लेकिन हमने आज तक कभी भी पार्टी के खिलाफ, उस दिन से लेकर के भी जब मेरा टिकट भी कट गया, पार्टी के लिए समर्पित था और पार्टी के लिए ही कार्य किया है, हमने कोई दल नहीं लिया, किसी दल में मैं नहीं गया। फिर मेरा जिला परिषद चुनाव आया, मेरे जिला परिषद चुनाव अपनी पत्नी मेरी मिसेस लड़ी और जीती, और थोड़ा बहुत रूठा हुआ था राजेश भैया ने हमें फिर से यहाँ बोला कि आ जाइए, कोई बात नहीं है। देखिए, हम इतना कहेंगे, कांग्रेस पार्टी चूँकि एक मैं कैंडिडेट था, लोग अनाप शनाप अर्गल बातें करते हैं, लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि मुझे विधानसभा टिकट मिला था, हमारा कोई एक कप चाय भी नहीं मिला था, और हमको विधानसभा का टिकट मिला था, भले ही नहीं हो, लेकिन आने वाले दिन में जब रहेंगे साथ में तो निश्चित है कि कभी ना कभी तो पार्टी की नज़र जाएगी।